नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका दिल बैठ जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस कहानी को सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, यह कहानी है एक बेरहम माँ की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरे भाई का नाम रोहन था और वह मुझसे 2 साल छोटा था। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि एक दिन रोहन अचानक गायब हो गया। मैंने अपने पापा से पूछा कि आखिर रोहन कहाँ चला गया। पापा ने मुझे बताया कि वह सुबह खेलने के लिए निकला था और फिर लौटकर नहीं आया। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई। रोहन के बिना हमारा घर सूना हो गया था। मैंने उस रात रोहन के बारे में सोचते ही सोने की कोशिश की। नींद के दौरान मैंने एक अजीब सपना देखा। सपने में मैंने रोहन को देखा। वह मेरे सामने खड़ा था, उसके पूरे शरीर पर खून था और वह बहुत कमजोर लग रहा था। मैंने घबराकर उससे पूछा, रोहन तुम कहाँ थे, क्या हुआ तुम्हारे साथ? रोहन ने उदास होकर कहा, दीदी मुझे किसी ने मारा है। मैं यहाँ खेलने आया था लेकिन मुझे किसी ने पकड़ लिया और बहुत मारा। ये सुनकर मैं और भी डर गई। मैंने उससे पूछा, तुम्हें किसने मारा और क्यों? रोहन ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ नहीं कहा। मैं चिल्लाने लगी, रोहन कुछ तो बोलो, कौन था वह? मेरी चीख सुनकर मेरी नींद टूट गई। मैं पसीने से लथपथ थी और दिल तेजी से धड़क रहा था। ये सपना इतना असली था कि मुझे लगा कि रोहन सचमुच मेरे सामने था। मैं उठकर सीधे पापा के कमरे में गई और उन्हें सब बताया। पापा ने मुझे शांत किया और कहा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन मुझे उस सपने में कुछ सच्चाई का एहसास हुआ। अगले दिन हम सब ने पुलिस को इस बारे में बताया और रोहन की तलाश जारी रखी। धीरे धीरे दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में, लेकिन रोहन का कोई पता नहीं चला। इस दौरान मैं अक्सर वही सपना देखती रही। हर बार रोहन मुझे दिखाई देता और कुछ न कुछ बताता। एक दिन मैंने अपने सपने में देखा कि रोहन मुझे एक पुरानी इमारत की तरफ इशारा कर रहा है। मैंने इस सपने को पापा को बताया और हमने उस इमारत की तलाश की। वह एक पुरानी खंडहर हो चुकी इमारत थी जिसे अब कोई नहीं जाता था। पुलिस के साथ मिलकर हम उस इमारत में गए और वहाँ जो देखा उसने हमें हिला कर रख दिया। वहाँ एक तहखाना था जिसमें रोहन का शरीर मिला। उसकी हालत देखकर हमारे होश उड़ गए। पुलिस ने तुरंत छानबीन शुरू की और कुछ सबूत जुटाए। धीरे रोहन के शरीर को मिलने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी। सभी परिवारजन गहरे सदमे में थे, लेकिन हमें एक बात का संतोष था कि रोहन को आखिरकार शांति मिली। हमने उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा की और उससे विदाई दी। लेकिन मेरे सपने यही नहीं रुके। हर रात रोहन मुझे सपनों में दिखाई देता और कुछ न कुछ संकेत देता। उसके सपनों में हमेशा एक बात सामान्य थी, वह किसी न किसी चीज की तरफ इशारा करता था, मानो कोई गहरा राज उजागर करना चाहता हो। एक रात मैंने देखा कि रोहन मुझे अपने हाथों से एक दरवाजे की ओर इशारा कर रहा है। दरवाजा हमारे घर के भीतर का था जो आमतौर पर बंद रहता था। अगले दिन मैंने इस बारे में पापा से बात की और उन्होंने उस दरवाजे को खोलने का निर्णय लिया। उस दरवाजे के पीछे एक पुरानी अलमारी थी जिसमें कुछ पुराने कागजात और फोटोग्राफ्स थे। उन फोटोग्राफ्स में से एक ने मेरी ध्यान खींचा। उसमें मेरी मम्मी और एक अनजान आदमी साथ में खड़े थे। उनके चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी छाया। मैंने पापा से पूछा, यह आदमी कौन है? पापा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये तुम्हारी मम्मी का पुराना दोस्त है जिससे वह शादी से पहले मिली थी। ये सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने और ज्यादा सवाल नहीं किए, लेकिन मेरे दिमाग में सवालों का तूफान था। उस रात रोहन ने मुझे फिर से सपने में दिखाई दिया। इस बार वह बहुत स्पष्ट रूप से बोला, दीदी सच को ढूंढो। इस संकेत ने मुझे और भी बेचैन कर दिया। मैंने पापा और पुलिस को इस बारे में बताया, लेकिन उन्हें लगा कि यह मेरे दिमाग का भ्रम है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या रोहन की हत्या के पीछे कोई और बड़ा राज है?
कुछ दिनों बाद पुलिस को जांच में एक नया सुराग मिला। उस रात जब रोहन गायब हुआ था, एक महिला को उस खंडहर इमारत के पास देखा गया था। पुलिस ने जब और गहराई से जांच की तो उस महिला की पहचान मेरी मम्मी के रूप में हुई। ये खबर सुनते ही हम सब स्तब्ध रह गए। पापा ने तुरंत मम्मी से सवाल किया, क्या ये सच है, तुम उस रात वहाँ थी? मम्मी ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, हाँ मैं वहाँ थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं रोहन को बचाने की कोशिश कर रही थी। पापा ने गुस्से में कहा, लेकिन तुमने हमें क्यों नहीं बताया? मम्मी ने रोते हुए कहा, क्योंकि मुझे डर था कि तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। ये बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मम्मी सच बोल रही थी या नहीं, इसका कोई ठोस सबूत नहीं था। पुलिस ने मम्मी को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान मम्मी ने खुलासा किया कि वह उस आदमी से मिलने गई थी जो उनके पुराने दोस्त थे, लेकिन वह आदमी बहुत खतरनाक था और उसने रोहन को किडनैप कर लिया था। मम्मी ने उसे रोहन को छोड़ने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन उसने रोहन को मार दिया और मम्मी को धमकाया कि अगर वह किसी को बताएंगी तो उन्हें भी मार डालेगा। ये खुलासा हमारे लिए बहुत बड़ा झटका था। पुलिस ने उस आदमी की तलाश शुरू कर दी और कुछ ही दिनों में उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने स्वीकार किया कि उसने रोहन को मारने का प्लान मम्मी के साथ मिलकर बनाया था, लेकिन मम्मी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। अंत में सच्चाई का पता चला कि मम्मी और उस आदमी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और रोहन उस झगड़े में फंस गया था। मम्मी ने रोहन को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उन्हें रोहन को मारने के लिए मजबूर किया। इस पूरी घटना ने हमें तोड़कर रख दिया। मम्मी को जेल की सजा हुई और हम सब ने एक दूसरे का साथ देने की कोशिश की। इस दर्दनाक अनुभव ने हमें ये सिखाया कि जीवन में किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती। रोहन की यादें हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी। उसकी मासूमियत, उसकी हंसी और उसके साथ बिताए हर पल हमारे लिए हमेशा अमूल्य रहेंगे। हमने अपने जीवन को फिर से संभालने की कोशिश की, लेकिन रोहन की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। ## कहानी का अंत। इस तरह हमने इस घटना से सीखा कि सच्चाई हमेशा उजागर होती है, चाहे कितना भी समय लगे। हमें अपने परिवार और प्रियजनों की सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए और कभी भी किसी अनजान पर विश्वास नहीं करना चाहिए। रोहन की आत्मा को शांति मिले और उसकी यादें हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी।